दिए, धमकी तो हम लोग मुनेठा बनेगा कि नहीं क्या पैसा दे क्या है? अरे दे रहे हैं, ये जो समर्थन है भाड़े पर नहीं है। इस जनसागर ने यह सिद्ध कर दिया कि बेटा तो कोई भी हो सकता है, लेकिन किंग केवल एक ही होता है। हम मगध ने और ये जन समर्थन ने आज मान लिया है कि मगध किंग अरुण कुमार है। अरुण कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपका वोट कहाँ पड़ेगा? जितने भी जितने भी जितने भी जितने भी सरकार के बुलाने धन्यवाद में जितने भी प्रत्याशी हैं, एक भी इनके जितना बुद्धिजीवी नहीं है। जब जब भ्रष्टाचार का एक दाग नहीं, अरे सब बिहार गोल है, जिसने समाज के सम्मान के लिए अरुण कुमार ने अनंत सिंह के सम्मान बचाने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री का कलेजा तोड़ देने का बात किया था। और आज भी अरुण कुमार मैं मानता हूं कि वो हिम्मत रखते हैं हम लोगों के लिए। जब वो हमारे साथ हैं तो हम सभी लोग उनके साथ हैं। जय अरुण। सुनने में आ रहा है कि जगदीश शर्मा ने समर्थन कर दिया एकदम। भोला बाबू हो रहे हैं जगदीश शर्मा। किसी पे कटाक्ष नहीं, सब अपना काम कर रहे हैं। हम लोगों का मतलब है केवल अपने नेता को कुछ सुखद करने को होगा। किंग महेंद्र के मरने के बाद पहले भोला बाबू कहा और वो जो चापा कल वो बॉल दे रहे हैं वो जनता के पैसा के दे रहे हैं, अपना पैसा के नहीं, टैक्स बचाने के लिए दे रहे हैं। नीतीश कुमार उनको मानता था, तीन साल भोला बाबू का कार्यकाल था तो भोला बाबू दे दिया। इस बार जहानाबाद का लोगों का कहना है कि जहानाबाद इस बार इतिहास रचेगा और 4 तारीख को तो यहाँ से संदेश एक जाएगा दिल्ली तक। देख लो विरोधी जन सलाम निकल चुका है और ये जो जैलम सलाम है पथ में जैन सलाम हो चुका है। क्या बोलना है, बोल रहे हैं तख्त बदल दो, तख्त बदल दो, इतिहास नहीं भूगोल बदल दो। जहानाबाद को बुला रहे हैं कुमार, बोलेंगे संसद में मस्त जगह इस बार क्या माहौल लग रहा है, बड़ी पसीना बहा रहा है। ये माहौल इस बार स्पष्ट है कि हाथी ने नीतीश कुमार के छाती पर चढ़कर उनका पापी निकाल दिया है। ये भीड़ नीतीश कुमार का अहंकार तोड़ने का भीड़ है और ये भीड़ उस शेर के लिए भीड़ है जिसने नीतीश कुमार को खुली चुनौती देकर कहा था कि भ्रष्टाचार करिएगा, एक समाज को टारगेट करिएगा तो छाती तोड़ देंगे। अब कह रहे हैं कि हमारा अस्तित्व में चाहिएगा, हमारा टिकट काटिएगा तो घमंड तोड़ देंगे। पत्थर के फौलाद है हम, अब परशुराम के औलाद है हम, न डरे हैं न डरेंगे, न झुके न झुकेंगे। जो हमको झुकाने का प्रयास है उसको ईश्वर में नहीं देंगे। लोग कह रहे हैं कि गलती हो गया, माफ कर दो, गलती एक गलती करता है उसको श्रद्धांजलि करते हैं। गलती पर गलती कर उसको नीतीश कुमार कहते हैं, सब गलती पर सवाल। इस बार लोगों का हुजूम है जो एक बार पलटी मारे उसको माफ किया जा सकता है, दूसरा बार गलती करे उसको माफ किया जा सकता है, और जो बार बार पलटी पर पलटी करे उसको नीतीश कुमार कहते हैं। ये हम नहीं, ये जहानाबाद की जनता बोल रही है। और इस बार जहानाबाद में जो परिवर्तन होगा
वो साफ तौर पर दिख रहा है। ये जैन सलाब जो पीछे जैन सलाब दिख रहा है वो साफ तौर पर दिख रहा है, जितना पीछे है उतना ही आगे जैन सलाब को दिख रहा है कि आगे भी वही जैन सलाब है, पीछे भी लोग हर कोई अरुण कुमार के समर्थन में। तो इस बार जहानाबाद में अरुण कुमार लड़ रहे हैं या जहानाबाद की जनता बचेगी पूरी तरह से। जहानाबाद आज की रैली ने स्पष्ट कर दिया कि क्या लड़ने क्या तीर दिल्ली चला है और दिल्ली के संसद में अरुण कुमार का गूंज उठेगा। और ये जहानाबाद टाइम से 90 के दशक में हम लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ नरसंहार के खिलाफ लड़ने वाला जिला जहानाबाद है और नीतीश कुमार को हमेशा चुनौती दे करके इस जहानाबाद में गमन तो रहा है। ये जहानाबाद डॉक्टर जगदीश शर्मा का भूमि है। जगदीश शर्मा नीतीश कुमार को ललकार करके पत्नी को निकलिए चुनावी और आज वही अरुण कुमार जो नीतीश कुमार को छाती तोड़ने की बात कहते हैं आज यही अरुण कुमार गांधी मैदान से कह दिए हैं कि जहानाबाद के जंगल जनता जाग उठाए। हमने कहा स्पष्ट रूप से हाथ में झंडा और तलवार करते हैं और सभी पार्टी को करारा जवाब दे उसको जहानाबाद। नीतीश के सारे मंत्री जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जहानाबाद में प्रचार करने आए हैं सारे लोग उसी रफ्तार से जहानाबाद छोड़ के भाग रहे हैं। जहानाबाद है सब जिला में रहा आवाज दुश्मना में जहानाबाद है या रहे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने भी जहानाबाद की जनता के गर्मी किसी का डर नहीं करता है। जहानाबाद एक ऐसा जिला है जहाँ तैयार करता है और ये धान तैयार होता है पूरे बिहार जहानाबाद में आने वाले थे अनंत सिंह ने ललकारा है अरुण कुमार हमारा है उसी अनंत सिंह ने अरुण कुमार ने छाती तोड़ने की बात कहते हैं तो अनंत सिंह ने भी कहा है कि वीर अरुण तुम आगे बढ़ो और मोकामा का नाम तुम्हारे साथ है। और जहानाबाद की जनता से मांगना करना चाहते हैं जहानाबाद की जनता जागिए। आप जो जन मोदी के नाम पे जो चंद्रवंशी जी का वोट देगा मोदी 5 तारीख को पलटी मारने वाले नीतीश शर्मा प्रचार करने चंद्रवंशी जी के नहीं आए। क्यों नहीं आए? 1640 करोड़ का भ्रष्टाचार 1640 करोड़ के घोटाले बाद जो जहानाबाद की गरीब जनता कहा कमा रहा हो जिसके एम्बुलेंस के घोटाला में जहानाबाद की एक महिला अपने बेटे को मरते देखा है वो जहानाबाद जिला है किसी को नहीं भूलेगा। और ये जहानाबाद चंद्रवंशी जी क्या ना जहानाबाद नीतीश जी की औकात नहीं है कि जहानाबाद की जनता को गुमराह कर ले। अब यहाँ नहीं चलने वाला है जुमलेबाजी, यहाँ सिर्फ उसी चलेगा जहानाबाद की जनता का और जहानाबाद की जनता ने कहना है कि इस बार अरुण कुमार को दिल्ली भेजाना है। दिल्ली जाएंगे टूटा तीर और दिल्ली चला अरुण। इस बार जहानाबाद का माहौल क्या लग रहा है? और उनका जो 5 साल 10 साल जो सांसद रहे उसमें जो इज्जत
कमाए और जनता का जो सेवा किए वो सेवा के बदौलत जनता ने इतना जैन सलाम उमड़ा है और ये जनता ने मूड बना लिया है कि इस बार अरुण कुमार के पक्ष में वोट करें। मैं धीरज कुमार, आप तक सचिन।